एसएम न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, दिल्ली कैंट के अंदर जो अशोका भवन है उसके अंदर फूले वह बाबा साहब की 127वीं जयंती को बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और जयंती मनाने का तरीका, बाबा साहब का जो किरदार है, बाबा साहब के जो जिन्होंने कार्य किए, बाबा साहब के जो कार्य हैं उनको विस्तार रूप से एक जो जिसे नाटक लोग कहते हैं, नाटक कहते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो बाबा साहब के उस समय की जो परेशानियाँ झेली थी उनको बिल्कुल एक तरीके से ये कह दिया जाए कि हूबहू वही घटना आज यहाँ पेश की गई। और जो यहाँ आगंतुक थे, जो जनता थी, महिलाएं थीं, वो फूट फूट कर रो रही थीं कि पहले बाबा साहब ने इतना परिश्रम करा। अभी ये किरदार आया कि उस समय सती प्रथा का जो मामला था, उनके पति को जलाने के लिए ले जा रहे हैं, साथ में उस महिला को भी घसीट कर ले जा रहे हैं और उस महिला को भी सती करना चाहते हैं। लेकिन जब बाबा साहब ने इन पर सब पे वैन लगाया, वो सारा किरदार यहाँ दिखाया गया। और उस किरदार को निभाने के लिए पूरी टीम जो ये यहाँ जालंधर से आई हुई है, और इनके चेहरे भी इस तरीके से हैं कि लगता है कि ये पूरी जो एक फिल्म इंडस्ट्री इस तरीके का क्या करेगी वाली बूढ़ क्या करेगी, जो इन बच्चों ने ये कार्य करके दिखाया, इनके गुरु और जो बाबा साहब का किरदार निभा रहे थे हमारे बीच में है। अभी हम उनसे पूरा इंट्रोडक्शन लेते हैं। सर, आपका पूरा इंट्रोडक्शन क्या है? मेरा नाम सोढ़ी राणा है जी, और मैं पंजाब के जिला जलंधर के एक गाँव में, छोटा सा गाँव है लांदड़ा, उससे हम 25 साल से हम एक ग्रुप चला रहे हैं, प्रगति कला केंद्र लांदड़ा। और हम 25 सालों से अपने महापुरुषों की, अपने नायकों की कथाएं नाटकों के जरिए, अपेरों के जरिए, कोरियोग्राफियों के जरिए हम अपने प्यारे लोगों के पास लेके जाते हैं, गांव-गांव जाते हैं, महल्ले महल्ले जाते हैं, गलियों में जाते हैं। कोई स्टेज हो ना हो, साधन हो ना हो, हम अपने बात अपने प्यारे लोगों से करते हैं। सोढ़ी साहब, जिस तरीके अभी किरदार अपनाते हैं, अब देखा गया कि बाबा साहब की जो स्टेचू लगी रहती है उसको भी लोग तोड़ देते हैं, जब आप इस तरीके का रोल अदा करते हैं, क्या आपके साथ में कुछ इस तरीके का कोई वाद विवाद चलता है? नहीं, वाद विवाद ऐसे कि हम कलाकार हैं, हमारे से वाद विवाद कोई करता नहीं है। जो क्योंकि हम जो बात कहते हैं वैज्ञानिक तौर पर कहते हैं, ऐतिहासिक तौर पर सच्ची बात कहते हैं, और सच्ची बात पर कौन हमारे से विवाद करेगा? हमारे 25 सालों में से कोई विवाद ऐसा आया नहीं है। और हम सारे भारत में जाकर घूम घूम, दिल्ली में बहुत बारी हम आए हैं, और पूरे भारत में जाते हैं, पूरी स्टेटों में जाते हैं। सोढ़ी साहब, आपने ये जो बाबा साहब का किरदार ये अपनाया, बाबा साहब का किरदार अपनाते हैं, तो ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से के लिए मैं बाबा साहब के इस तरह के किरदार को आम जनता तक पहुँचाऊँ? देखो, हम जब अपना संगठन बनाया था प्रगति कला केंद्र, तो हमने ये तय किया था, फैसला किया था कि हम कला कला के लिए नहीं, कला अपने प्यारे लोगों, मेहनतकश लोगों के लिए करेंगे। तो हमारे नाइक जो भी है, फूले साहब हैं, अंबेडकर साहब हैं, और हमारे संत गुरु हैं, गुरु रैदास हैं, कबीर हैं, और बहुत सारे हमारे नाइक हैं, उनकी बातें हम करते हैं, उनके नाटक हम करते हैं। तो हमारा छोटा भाई तो मक्खन क्रांति, जो पिछले साल 2017 की फरवरी में एक सड़क हादसे में जो है हमारे से विदा हो गए, और उनकी कलम से ही ये अपेरा लिखा हुआ है, और वो लिख रहे थे तो उनकी डेथ हो गई, और उनकी बेटी ने कलम उठाई और उसको पूरा किया। और इसके पहले जो ये तो अपेरा पार्ट नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 अपेरा जो है वो भी मक्खन क्रांति ने लिखा है। मेरी भी नाटकों की एक बुक आई है, किताब है हमारी ऐसा चाहूँ राज में, 7 उसमें नाटक हैं, गुरु रविदास पर नाटक हैं, हमारे समाज पर नाटक है, और जो पंजाबी के बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं, कथाकार हैं, उनकी कहानियों से वो नाटक हमने लिखे हैं। तो पूरे पंजाब में हम बहुत बड़ी मात्रा पर, हमारी 5 प्रगति कला केंद्र जो टीमें हैं चल रही हैं पूरे पंजाब में, हम दिन रात कहीं कभी कहीं कभी कहीं ऐसे हम चल रहे हैं। बहुत
क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू? हाँ जी। मंजू क्या कर रही हैं आप? स्टडी करते हैं। स्टडी कर रहे हैं? हाँ जी। तो आप तो इस समय घबरा रही हैं, जब नाटक करती हैं तो आप ऐसा लगता है कि पूरा ही इमोशनल आपने यहाँ जो जनता बैठी हुई थी महिला को रुला दिया आपने, तो आप ऐसा मंजू आपने जो अभी रोल अदा किया था, एक हस्बैंड को मार दिया जाता है या हस्बैंड एक्सपायर हो जाते हैं जला जाते हैं, आपने उसमें सती का रोल अदा किया था, तो आपको कैसा लगा आप ऐसा रोल करती हैं? तो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कि मतलब जो बाबा साहब के समय में जो ऐसे अत्याचार थे वो महिलाओं ने कितना सहन किया होगा। हाँ जी, लड़कियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव होता था, उसे पति के साथ ही जला दिया जाता था, मगर बाबा साहब ने लड़कियों को बहुत सारे अधिकार दिए, उन्हें पढ़ने के लिए कहा और बहुत सारे सम्मान दिए थे। बहुत अच्छी बात। क्या नाम है? सोनी। सोनी क्या कर रही हो? प्लस टू में पढ़ती। क्लास? प्लस टू। प्लस टू में पढ़ रही है? हाँ जी। तो आप इस तरीके के रोल अदा कर रही हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है? हाँ। तो घर वाले आपको क्या ये मना नहीं करते कि तुम इस तरीके का नाटकों में जाती हो, आपको पढ़ना चाहिए? नहीं, ये मेरी फैमिली है, इस करके अपनी फैमिली है। मतलब अपनी फैमिली के साथ? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मोनिका। मेरा नाम मोनिका। मोनिका हाँ जी। आप ये जो नाटक करती हैं थोड़ी साहब के साथ कितने समय से कर रही हैं? टाइम तो फिलहाल तो काफ़ी टाइम से है ना, टीम में अभी आए हैं। अच्छा। कुछ देर हुई है जी। हाँ। स्टूडेंट हैं? स्टूडेंट हैं हम। तो आप क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं? स्टडी मेरी कम्प्लीट है, ग्रेजुएशन की हुई है मैंने। जी जी। तो आपको ये बाबा साहब के नाटक करने के लिए प्रेरणा किसने दी आपको? हमारे सर हैं ना। हाँ। इन्होंने हमें नाटक के लिए बोला, इन्होंने सभी प्रेरणा इन्हें से लगी हमने। लेकिन मंजू जी जो नाटक करते हैं, लेकिन तो आजकल तो देवी देवताओं के नाटक बहुत चल रहे हैं, उसमें अच्छा पैसा होता है, लेकिन बाबा साहब के इस तरीके के नाटक करते हैं तो इसमें तो कहीं पानी भी नहीं मिलता है, कहीं खाना भी नहीं मिलता है, तो इस तरीके के नाटक करने से क्या फ़ायदा आप लोगों को? फ़ायदा देखा जाए तो जब हम खाना तो हम डेली खाते हैं, जो हम कर रहे हैं ना वे तो कभी कभी करेगा, लोगों को दिखाने के लिए है ये सब तो करना पड़ता है, इसी को भूख पानी नहीं देखा जाता, समझाने के लिए होता है ना, तो हम करते हैं। तो आप इस तरीके किरदार करते हैं कि बाबा साहब ने जो अपने समय के अंदर जो इतना कष्ट भोग के यहाँ तक लाए थे, तो आप उसको उजागर करना चाहते हैं? जी, हम उनके जो भी उन्होंने किया है हमारे लिए, हम उन आपने नाटक थ्रू ही हम सब सबको यही दिखाना चाहते हैं, यही बोलोगे कि हम जैसे जुड़े हैं ना ऐसे सभी लोग जुड़े जैसे हम देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं कि आपको भी मंजू बनना है, मंजू निर्मल बनना है। क्यों बनना है? बाबा साहब ने अपने इतने कष्ट भोग कर चार चार बच्चों की बलि दे दी, अब दवाई न होने के कारण अपनी पत्नी को भी मौत के घाट उतरना पड़ा, उनका भी दवाई न होने के कारण बाबा साहब ने बहुत बड़ी कुर्बानी की। तो मैं दर्शकों से यही अपील करूंगा और कहूंगा कि जिस तरीके से ये लड़कियां जो स्टूडेंट हैं जिन्हें बाबा साहब के बताए हुए रास्ते को इनके जो सोडी साहब जो सर हैं वो इनको यही प्रेरणा देते हैं और इनको उच्च शिक्षा लेनी चाहिए और उच्च शिक्षा ले रहे साथ साथ बाबा साहब के जो कार्य उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, यही कहते हैं सच्चा मिशन। क्या नाम है आपका? रेनू। रेनू कहाँ से आई हैं आप? पंजाब से। पंजाब से। तो आप क्या कर रही हैं? मैंने टेंथ के एग्जाम दिए। टेंथ के एग्जाम दिए? तो आप इस तरीके रोल अदा कर रही हैं, तो घर वालों का क्या प्रेशर रहता है कि तुम क्यों जाती हो, सर ने आपको बहका रखा है? नहीं, सर ने बहका नहीं रखा, एक्चुअली घर वाले ही हमें प्रेरित करते हैं भाई ऐसे नाटक करो। पहले हमारे सर थे, सर के भाई, मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, उन्होंने हमें प्रेरित किया था, स्कूल में पढ़ाते थे और उन्होंने हमें इस नाटक में जोड़ा, वो तो बहुत अच्छा लगता है सर। तो रेनू आगे जाके आप क्या करोगे? अगली स्टडी करूंगी। अगली स्टडी? अभी पढ़ूंगी। और बाबा साहब को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहोगे? जी। क्या नाम है? जयवीर सर। सर विशाल। क्या? विशाल। विशाल नाम बहुत अच्छा है, विशाल। तो विशाल जी आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन की है। कर ली ग्रेजुएशन कंप्लीट? यस सर, अभी कर ली। तो आगे करने का क्या विचार है आपका? जॉब मिल गई मुझे। जॉब मिल गई? डोमिनोज पे। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाबा साहब को भी आप आगे बढ़ाने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे सर जो मक्खन क्रांति सर सर थे, उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो वो हमारे स्कूल में पढ़ाते थे, मैं टेंथ में पढ़ता था, टेंथ से मैं काम कर रहा हूँ उनके साथ, तो धीरे धीरे वो बच्चों को ले और बच्चों को लेकर जाते थे, तो
मैंने भी सर से मांग की कि सर मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे मेरी भी पहले वो सोच नहीं थी, तो धीरे धीरे मेरी सोच बढ़ी, तो मैं सर के साथ चला, तो मुझे भी पता चला बाबा साहब के बारे में। मुझे भी नहीं पता था बाबा साहब के बारे में, मैं झूठ बोलूँ, तो मुझे धीरे धीरे पता चला। तो फिर हम मेरी सर से मुलाकात हुई, तो फिर ऐसे हमारी टीम बनती गई। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम हर्ष। हर्ष जी, सर जी आप क्या कर रहे हैं? सर मैंने ग्रेजुएशन कर रहा हूँ अभी, बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ सर, तो अभी इस मई में कम्प्लीट होने जा रही है अभी। तो साथ साथ अपने रहबरों का महामानव बुद्ध से लेकर जितने रहबर, जितने मान्यवर और जितने युग पुरुष हमारे समाज में, जिन्होंने उन लोगों के लिए संघर्ष किया जो लोग, जिनको कोई अधिकार नहीं था, कोई हक नहीं था, जिनको इंसानों के बराबर नहीं समझा जाता था, जिन्होंने उनके लिए संघर्ष किया, आज उनकी वजह से आज हम इस माइक पर बोल रहे हैं। तो उनके जो मिशन को है, उनकी जो सोच को है, उसकी जो उनकी जो विचारधारा है, उनको लेकर हम ऐसे ही चल रहे हैं अभी स्टूडेंट लाइफ में, और जब तक ज़िंदगी रहेगी ऐसे ही अपने रहबरों की मिशन के लिए उनके विचारधारा के विचारधारा पे चलते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो एक ऐसे इंसान का नाम है, इंसान का नहीं मैं तो ये कहता हूँ कि एक युग का नाम है, जिन्होंने पूरा युग बदल के रख दिया। और एक कवि ने कहा था, पंजाबी में है वो सत्रें लेकिन मन को छू लेने वाली हैं, कि बाबा साहेब भीमराव महापुरख लसानी सी, बाबा साहेब भीमराव महापुरख लसानी सी, मुर्दे मर्द बनाए वड्डा जीवन दानी सी, मुर्दे मर्द बनाए वड्डा जीवन दानी सी, एक भीम ने जिंदगी बख्शी लख करोड़ा नू, हीरे रतन बना गया वो पत्थरां ते रोड़ा नू, हीरे रतन बना गया वो पत्थरां ते रोड़ा नू। सो और इसके अलावा हम अपने लेवल पे भी जो अपने रहबरों की विचारधारा है, अपने युग पुरुषों की विचारधारा है, उसको लेकर चलते थे। लेकिन कुछ समय पहले हमारी प्रगति कला केंद्र लांदड़ा की टीम से हमें प्रेरणा मिली, इनकी तरफ देखकर हमें लगा कि जो ये प्रचार कर रहे हैं, जैसा ये प्रचार कर रहे हैं, एक्चुअली बात यह है कि आज की जनरेशन को, आज के लोगों को जो हमने नाटक कोरियोग्राफियाँ करके दिखाई हैं, जो उनकी विचारधाराओं पर करके दिखाया है सब कुछ, उनको लेकर एक प्रैक्टिकली चीज़ जो मंच पे दिखाई जाती है, वो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं टच जरूर करती है और वहाँ इफेक्ट जरूर करती है। एक सिंगर को लोग सुनकर जो इग्नोर कर देते हैं, उनकी बात को दिमाग में नहीं बैठाते, लेकिन ये एक चीज़ पूरा सीन क्रिएट करके उसको रियलिटी में दिखा के जब लोग इसे देखते हैं, तो आपने भी जैसे बोला कि जो हमारी औरतें फूट फूट कर रो रही थी, ऐसा ही जाकर हम ओरिजिनल जो इतिहास हमारा है वो लोगों को बताते हैं, तो वो लोगों के कहीं ना कहीं हार्ट और दिमाग में कहीं ना कहीं जाकर इफेक्ट जरूर करती है। और इनसे हमें प्रेरणा मिली और इनकी टीम को हम ऐसे, मतलब यहाँ तक कह सकते हैं कि इन जैसा प्रचारक पूरे देश में कोई नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ साथ ये सर अपनी जॉब भी करते हैं और पूरी फैमिली की ये पूरा संघर्ष है कि अपने रहबरों का जो मिशन है वो जन जन तक लेके जा रहे हैं। और इनके इन्हें के हमें देकर अप्रिसिएशन मिली कि हम भी अपने घर में बैठ नहीं सके, हमने सोचा कि हमें भी इस टीम का हिस्सा बनना चाहिए, क्योंकि हमें भी आज ज़रूरत है अपने रहबरों की, अपने युग पुरुषों की विचारधारा को लेके जाने के लिए, क्योंकि आज के गंदे सिस्टम ने हमारे को, हमें और हमारे लोगों को बहुत जो है जुल्म और अत्याचार के और RSS के जो जुल्म है उनके में उसमें बांध रखा है, और हमारी जो मानसिकता है उसको गुलाम कर रखा है। तो एक ही एक रास्ता है, वो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा और उनके दिए मार्ग बताए हुए मार्गदर्शन को अपनाना और विचार परिवर्तन करना। जय भीम, जय भारत। क्या नाम है सर आपका? जसप्रीत सर। जसप्रीत जी, हाँ जी। तो सर क्या कर रहे हैं इस समय आप? सर मैं मोबाइल शॉपकीपर हूँ। मोबाइल शॉप है मेरी अपनी। अब बाबा साहब का ये किरदार और ये जिस तरीके से टीम के अंदर आप कब से काम कर रहे हैं? सर हम जानते तो उनको काफ़ी देर से हैं, काम कम से कम 2-3 महीने हो गए ऐसे ही चल रहे हैं, जब से प्रोग्राम चल रहे हैं साथ में। बहुत बढ़िया प्रेरणा मिलती है सर से, और जो हम समाज के लिए काम कर रहे हैं वो
समाज के लिए जो हमने हमारा एक फ़र्ज बनता है, क्योंकि बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया वो तो हम तो हर एक स्टेज पर बोलते हैं कि बाबा साहब ने हमारे के लिए ये कुर्बानी की, बाबा साहब ने हमारे के लिए ये कुर्बानी की, पर आज की डेट में जो हमारा जो क्या फ़र्ज बनता है बाबा साहब के लिए करने के लिए, वो हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं समाज के अंदर बाबा साहब की जीवनी को लेके जा रहे हैं, और जो हमारा फ़र्ज बनता है, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ये जो मैं मिशन है बड़े दुखों तकलीफ़ों के यहाँ तक लेके आया, अगर इसको आगे नहीं ले जा सकते आप इसको यहीं छोड़ देना, हम थोड़ी उसकी कोशिश कर रहे हैं कि इस मिशन को जो बाबा साहब का मिशन है उसको थोड़ा सा आगे ले जाया जा सके, और समाज में जो कुरीतियाँ हैं, समाज में जो समाज का जो अभी हमारा समाज सोया हुआ है उसको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और सर से हमारे को बहुत प्रेरणा मिलती है जो सर हमारे को निर्देश देते हैं, वो उस निर्देशों पर चल के बाबा साहब की जीवनी और साहब कांशीराम जी की जीवनी पर आधारित काम कर रहे हैं, और अपने रहबरों का मिशन पूरा करने के लिए जब तक जिंदगी है तब तक काम करेंगे। जय भीम। बहुत बहुत ये